क्रोम का होता है, कॉइल और ये कॉइल को पैरेलल में लगाया है, यानी कि यहाँ आया तो क्या करेगा, कॉइल क्या करता है, लोक को पास करता है, लोक को पास करता है, यानी कि जो 900 मेगाहर्ट्ज है उसको यहीं पे ग्राउंड कर देगा। क्या करेगा 900 मेगाहर्ट्ज को ग्राउंड कर देगा, बचा कितना 1821 3G 4G। अब 3G 4G यहाँ पाया, अब ये कॉइल सीरीज में दे दिया, अब ये भी फिर लोक को ही पास करेगा, क्या करेगा फिर लोक को ही पास करेगा, यहाँ पे भी लोक को ही पास किया था, ग्राउंड में मिला दिया था, अब यहाँ पे जो पास करेगा वो यहाँ दे देगा। अब ये पास करने के लिए फिर से यहाँ पे कॉइल क्या कर दिया है, ये देखो यहाँ पे पैरेलल में कर दिया, एक कैपेसिटर को पैरेलल में लगाया गया, क्या लगाया है पैरेलल में, और कैपेसिटर क्या करता है हाई को पास करता है, इसने लो को ग्राउंड कर दिया, इसने हाई को ग्राउंड कर दिया, यानी कि यहाँ पे इसने 900 को खा गया, यहाँ पे इसने क्या कर दिया 2100 को खा गया, अब ये क्या बचा है कुल मिला के 1800 एक ही बचा, अब इसको कम ज्यादा कोई मिलेगा नहीं, उसी को ये पास कर देगा। सर ये वाला जगह खाली कौन सा वाला, ये 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 बीच में सर, ये ये ऐसा है ना, जब सब बोर्ड बनाता है ना, जब सब बोर्ड बनाता है तो वो कई मॉडल का बनाता है। नहीं सर ओरिजिनल में जो आता है ना वो ये ऐसी वैसी सब लगा के आता है, हाँ। ये जो नया होता है ये शॉर्ट होता है, ये वाला भी यदि खराब होगा ना ये वाला तब भी नेटवर्क में इशू आता है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे तो नेटवर्क आ जाता है। अब इसको क्या कर दिया कि वो जो कॉपी है उसमें तो ऐसी देगा नहीं, इसके लिए उसको क्या कर देगा, ये सबको शॉर्ट कर दिया जाता है, क्या कर दिया इसका कनेक्शन ही हटा देता है, सीधा इस वाले से निकाल देता है जी। अब यहाँ पे यदि छोटा सा एक कंट्रोलर बीपीएफ दे देगा, तो बीपीएफ भी वही काम कर रहा है बैंड पास फिल्टर, यदि बैंड लगेगा वही नेटवर्क पास करेगा, बाकी को वो रोक देगा। अब बीपीएफ के जगह कॉइल को भी बिठा के वही काम करवा रहा है, एक सर्किट बना उसमें नेटवर्क का फर्क आता है, उसको यदि आप देखो, यदि उसको आप नहीं छेड़ोगे ना, यदि उसको नेटवर्क का दिक्कत आता है तो आप उसको क्या करोगे, सिंपल से क्लीन कर दोगे या फिर थोड़ा सा गर्म कर दोगे ना, तो बहुत से हैंडसेट में नेटवर्क का प्रॉब्लम सही हो जाता है, कि वो ये ज़्यादातर खराब नहीं होता है, क्योंकि इसको जो है वोल्टेज नहीं चाहिए होता है, इसको वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं होता है, जैसे क्योंकि जैसे वो पार्टी में लगा था ना, तो फिर वो कस्टमर बोलते कि इसमें नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत आ गई, वीक नेटवर्क आता है, कई बार जो है ना ये वाला पॉजिटिव लाइन जो है ना ये भी कट हो जाता है, ये भी कट हो जाता है, तो इसको जो है आपको माइक्रोस्कोप से ही पता चलता है, ऐसे तो मालूम चलता नहीं है। जो ये चोरी पट्टी में दिख रहा है ना ये सब ग्राउंड है, जो ये उसी कलर में जो पतली दिख रहा है ये सप्लाई है। ये सब सीरीज में लगा है ना बाबू, पूछो ना सर फीस दिए ना, पूछो फीस में देते हैं, खराब हो गया मेरा समझ नहीं आता ढंग से, पहले एक कॉइल को ग्राउंड कर दिया, फिर एक सीरीज में लगा दिया, फिर यहाँ दे दिया, अब ये आरएफ के पास जाएगा, और आरएफ के पास भी कुछ इसी तरीके से इसके सील के अंदर कंपोनेंट बैठा हुआ रहेगा, जैसे कि हम इस बोर्ड में देखते हैं, यहाँ देखो ये देखिए, अब यहाँ से निकला या निकल करके देखो ये सब सीरीज में मिलेगा, यदि इसको कुछ ग्राउंड करने का मिलेगा तो एक पॉइंट को देखो रखकर यहाँ ग्राउंड कर, सर ये किस लिए होता है, ये एक बार मेरे से ना ये थोड़ा सा वो हाथ तब फिर भी नहीं आता है सर, इसमें दो पॉइंट ग्राउंड है कुल जी, सॉरी भाई ये लग रहा है कभी होता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को समझ ही ना आया वो थोड़ा सा पूरा चला, इसको इससे शॉर्ट कर दीजिए, इसको इससे शॉर्ट कर दीजिए, नहीं मैंने वो सर कैसे कर रहा है, शॉर्ट कैसे कर रहा है, ये पतली वाले पिन से पतली वाला पिन और चौड़ी पिन से चौड़ी वाला पिन शॉर्ट कर दीजिए, फिर तो ग्राउंड होता
साइड उधर चौड़ा था ग्राउंड भी तो ग्राउंड देना पड़ेगा ना अभी तो बोलते हैं कोई सप्लाई पास करेगा और ये चला गया आरएफ इसी वजह से इसको आरएफआईसी बोलते हैं क्योंकि यहां पे आरएफ केवल कनेक्ट होता है यहां पे आरएफ केवल कनेक्ट होता है इस वजह से इसको आरएफआईसी बोलते हैं ठीक है जी तो इसको हम आरएफआईसी इसी वजह से बोलते हैं लेकिन इसका मेन काम जो है ये है पीएफओ प्लस एंटीना स्विच क्या है पीएफओ प्लस 2G 3G का एंटीना स्विच 4G का नहीं है 2G 3G का एंटीना स्विच है 4G का एंटीना स्विच इसमें दूसरे साइड मिलेगा अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो तो वो आरएफआईसी से ही होता है